बरेली जोन पुलिस की अंतर जनपदीय जूडो क्लस्टर जूडो जिम्नास्टिक वुशु ताइक्वांडो कराटे फेसिंग पिनकत्री सलाट प्रतियोगिता 2023 की मेजबानी इस बार मुरादाबाद को मिली थी। रविवार को रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित 3 दिवसीय अंतर जनपदीय प्रतियोगिता का डीआईजी शलम माथुर और एसएसपी हेमराज मीना ने खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट मेडल देकर समापन किया गया। इस प्रतियोगिता में पहले दिन ताइक्वांडो जूडो और वुशु के मैच कराए गए थे। प्रतियोगिता के दूसरे दिन शनिवार को पुरुष वर्ग की जिम्नास्टिक और महिला वर्ग की शेष रह गई वुशु प्रतियोगिता पूरी कराई गई थी। रविवार को इस प्रतियोगिता का समापन किया गया। आपको बता दें, इन प्रतियोगिताओं में बिजनौर, पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद और बदायूं के पुलिस खिलाड़ियों ने भाग लिया था। डीआईजी शलभ माथुर ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कहा कि समय समय पर ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित होनी चाहिए जिससे खिलाड़ियों को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सके और अपने क्षेत्रों का वे नाम रोशन कर सके। इसी उद्देश्य को लेकर ये प्रतियोगिता आज सम्पन्न हुई है। आज मुरादाबाद के अंदर 48वीं जनपदीय बरेली जोन की जो पुलिस वार्षिक जूडो जिम्नास्टिक और वुशु ताइक्वांडो कराटे फेंसिंग सलाट प्रतियोगिता महिला और पुरुष दोनों का आयोजन किया गया था। इसका शुभारंभ शुक्रवार को किया गया था। आज 4 जून को जो है इसका जो है समाप्ति की गई है और बहुत ही अनुशासित तरीके से सभी लोगों ने इसके अंदर खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है और बरेली जोन के सभी जनपदों से यहाँ पर टीमें आई थी। सभी खिलाड़ियों जिन्होंने पार्टिसिपेट किया मेडल विनर्स को और यहाँ की आयोजन समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। कितने दिन ये प्रतियोगिता जाती रही और क्या इसका उद्देश्य? बेसिकली 3 दिन ये प्रतियोगिता चली और ये जैसा मैंने आपको बताया 48वीं है, तो ये नियमित रूप से पुलिस के अंदर अलग अलग प्रतियोगिताएँ होती रहती हैं जो कि खेल से संबंधित हैं। बहुत सारे हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं, साथ ही खिलाड़ी कर्मचारी हैं, बहुत नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी खेले हुए हैं और इस तरह के जो आयोजन होते हैं उससे ना सिर्फ अनुशासन, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, बल्कि भविष्य में आने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके लिए भी एक अच्छा माहौल पुलिस विभाग द्वारा तैयार किया।